अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाहौरी चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। आप देख लें इसकी कितनी प्यारी माशाल्लाह शक्ल बनी है, इतना ही आला जायका है। चलें जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में आप तेल डाल लें, मैंने तकरीबन डाल दिया 6 से 7 टेबलस्पून। अब आप इसमें तकरीबन 3 मीडियम अनियंस है और 2 टेबलस्पून है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ये सब डाल के इसे 2 मिनट तक पकाएं, तो फिर हम आगे चलेंगे। अब आप इसमें खड़े मसाले डाल दें। 1 दालचीनी का पीस है, 1 बड़ी इलायची है और थोड़ा सा जीरा, 5 से 7 काली मिर्च और 5 लौंग। ये सारे ऐड कर दें और साथ ही चिकन डाल दें। मेरे पास चिकन है, मिक्स चिकन है ये 800 ग्राम। इसे धो के आप इसको डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे आप भूने तकरीबन 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट, जब तक इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना दें। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बोटियों पे थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है, तो इतना ही तकरीबन हमें भूनना था। अब आप इसमें 2 टमाटर और 3 ग्रीन चिली हैं बड़ी वाली और 2 बुलेट चिली हैं, ये सब डाल के इसे 2 सेकंड के लिए ढक दें ताकि ये हल्का सा पानी छोड़ दें। फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। हल्का सा टमाटरों ने पानी छोड़ा है, अब हम इसके अंदर अपने मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली और 1/4 टीस्पून टर्मेरिक, 1 टीस्पून है जी तंदूरी मसाला इंडस का, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली और 1 टीस्पून रेड चिली नॉर्मल वाली, 1 टीस्पून है ड्राई कोरिएंडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा ऐड कर दें। अब आप इसको हिलाकर, इसमें कोई आपने पानी नहीं डालना, अब आप मीडियम आंच कर दें। मीडियम आंच करके इसे पकाएं तकरीबन 20-25 मिनट, लेकिन बीच में आके चलाते जाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कर लें कहीं नीचे ना लग जाए, क्योंकि आपकी आंच पे डिपेंड करता है। अब ये टमाटर इतना पानी छोड़ देंगे कि ये उसमें पक जाए, तो तकरीबन थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कर लें। अगर पानी आपको बिल्कुल कम लगे तो एक आधा घूंट डाल दें, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डालती। टमाटरों ने इतना छोड़ देना जिसमें ये चिकन अच्छे से गल जाए। चले मिलते हैं आफ्टर 20 मिनट्स। इसको पकते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो चले इसको चेक करते हैं। इसमें मान लो अभी ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको भूनना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा गला लिया ना तो फिर ये भूनते हुए टूटना शुरू हो जाएगा, फिर शक्ल अच्छी नहीं बनती। तो अब आप इसमें तकरीबन 1/2 कप योगर्ट का डाल दें। अब तकरीबन इसे आप 15 से 20 मिनट तक भूनें, जब इसका बिल्कुल पानी फिनिश हो जाए ना, ये तेल छोड़ दे, तो उस वक्त तक आपने इसकी भुनाई करनी है। और अब चूल्हे को ऑफ कर लें फुल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे से मिक्स कर लें कि इसकी छोटे छोटे दाने से ना बन जाएं ऐसे, ताकि बोटी भी ना टूटे। ऐसे करके आप योगर्ट जब भी डालें ना, उसे जल्दी से मिक्स कर लें और फिर आप ऐसा ऐसा सारे में मिक्स कर दें। पहले एक जगह में अच्छे से पानी में मिक्स कर दें, तो अब आप इसे भूनें। मिलते हैं आफ्टर अबाउट 15 मिनट्स। ये अच्छे से माशाल्लाह भून गया है, आप देख सकते हैं इसकी शक्ल और इसका कलर भी ऊपर आ गया है। अब आप इसमें मटर ऐड कर दें। ये 1/2 कप मटर है निकाले हुए, ये डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे, बस 2-3 मिनट का भून के आप हल्का से इसको दम देंगे। ये बहुत सख्त मटर नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आप ये सख्त वाले हैं तो जिस वक्त आपने भूनना शुरू किया था आप उसके साथ ही डाल दें, तो वो ज़रा जल्दी हो जाएंगे, लेकिन मेरे इतने सख्त वाले नहीं हैं। ये बेबी वाले मटर होते हैं, बहुत सॉफ्ट से बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इनको मैं 2-3 मिनट भूनूंगी, हल्का सा दम दूँगी 2 मिनट का, तो ये माशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल रही हूँ तकरीबन। अब आप ये डाल के इसको दम पे दे दें, तकरीबन 3 से 5 मिनट तक का दम होगा, फिर उसके बाद हम बाकी आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको दम पर 5 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। अब आप इसमें सारा हमारा ग्रीन स्टफ ऐड कर दें,
ये है शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च प्यारी सी काट लें, जिस भी तरह आपको, जैसे भी आपको अच्छी लगे ये देख लें। और एक मुट्ठी फ्रेश कोरिएंडर, 1 टेबलस्पून ड्राई मेथी और 1 टीस्पून जीरा, ये सब कुछ ऐड कर दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप इसे मिक्स कर लें और ये खाने के लिए अब माशाल्लाह तैयार है। बहुत ही प्यारी आला खुशबू आ रही है और आपको शक्ल नज़र आ रही है, भूनने के बाद उसका कलर ऊपर आया हुआ है, बहुत आला जायका है। तो कमाल का जायका ऐसे बनता है, आप प्लीज़ इसको इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने बनाई है। और देख लें कोई पीस नहीं टूटा है, आप देख सकते हैं, यू कैन चेक ऐसे। यानी कि आपको इसका चिकन जब भी आप बनाएं आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अगर शक्ल अच्छी नहीं बनेगी टूट जाएगा तो ज़ाहिर है देखें जी, अगर जायका अच्छा भी होगा फिर भी खाने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसकी शक्ल माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है। तो आप इसको इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।